आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम बेस्ट फेस पैक, जो कि आपके फेस के सारे मैल को निकालेंगे, आपके फेस के कालेपन को ख़त्म करेंगे, आपके फेस का काले दाग धब्बे झाइया ख़त्म करेंगे, ढीली स्किन को टाइट बनाएंगे, फेस पे ग्लो लाएंगे बहुत अच्छे से। ये आपके फेस पे काम करने वाला है ये नुस्खा। सबसे पहले हमें लेनी है एक खाली कटोरी, उसके बाद हमें लेनी है टमाटर। ये मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया था, आप चाहे तो सिलबट्टे में भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चम्मच टमाटर की रस लेंगे, जो कि आपके फेस के सारे मैल को जड़ से ख़त्म करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएंगे। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लेंगे मुल्तानी मिट्टी पाउडर, ये आपके फेस के कलर को गोरा बनाते हैं, आपके फेस के पिंपल्स को ख़त्म करेंगे और हमें फेस को साफ करेंगे। और ये हम तीसरी चीज़ लेंगे बेसन। बेसन वही जिसको हम घर में पकोड़े या करी बनाते टाइम यूज़ करते हैं। ये आपके फेस की स्क्रब की काम करेंगे, आपके फेस में जो छोटे छोटे बाल है वो आपके हटाएंगे, आपकी फेस की सारी मैल को निकालेंगे। और चौथी चीज़ हम यहाँ पे लेंगे एक चम्मच दही। अगर आपके पास दही ना हो तो आप यहाँ पे दही की जगह एलोवेरा जेल या कोई स्किन की तेल भी यूज़ कर सकते हैं। बालों का तेल यूज़ नहीं करनी, स्किन की तेल कोई भी यूज़ कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास दही है इसलिए हम मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग एलोवेरा जेल या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने इसको पूरा मिक्स कर लिया फेस पैक को, अपने हाथों की मदद से या अपने फेस को आपको अप्लाई करनी है पूरी फेस में, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, सही से अप्लाई करनी है। और ये ना गिरेगा थोड़ा, इसलिए आप कोई ख़राब से टी शर्ट या कोई ख़राब से कपड़े पहन लेना, नहीं तो नीचे कुछ बिछा लेना जिससे आपकी कपड़े ख़राब ना हो। और यहाँ पे मैंने ये जो फेस पैक बनाया है इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। जो टमाटर का रस है जो मैंने मिक्सी में पीस के उसको जो पेस्ट बनाई थी उससे मैंने पूरा पेस्ट को पूरा मिक्सर को मैंने उससे ही बनाया है फेस पैक। सच बता रही हूँ, फेस पैक अगर आप हफ्ते में एक या दो बार यूज़ कर लेना अपने चेहरे पे, तो आपके चेहरे पे इतना निखार आएगा, आपके चेहरे इतना ग्लो करेगा, चेहरे की सारे मैल को निकालेंगे, आपके चेहरे की सारे जो दाग धब्बे उसको हटाएंगे धीरे धीरे। पहले थोड़ा कम करेंगे फिर धीरे धीरे पूरा ख़त्म कर देंगे। आपको ये अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप पार्लर से कोई 1-2 हज़ार का कोई महंगा सा ट्रीटमेंट लेके आए अपने फेस पे, ऐसा आपके फेस ग्लो करेगा। फिर दोनों हाथ से इसको अच्छे से हमें मसाज देनी है, पूरा नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ मसाज नहीं करनी तो आपके चेहरे लटक जाएगी धीरे धीरे, इसलिए ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है। ये पूरा सूखने लगेगा, जब थोड़ा सा आपको लगेगा ना जो ड्राई हो रहा है फेस, तो उस टाइम और थोड़ा सा आपके हाथ में जो पेस्ट बनाए थे हमने टमाटर का जो पेस्ट बनाए थे वो थोड़ा सा और हाथ में लेके फिर से आपके फेस में सेम तरीके से मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करनी तो आपके फेस लटक जाएगी नीचे की तरफ। फिर इसको मसाज करते करते 5 से 6 मिनट तक आपको इसको मसाज करनी है पूरा। ये आपके फेस में स्क्रब का भी काम करेंगे, हमने जो इसमें बेसन डाला है वो आपके फेस में स्क्रब का काम करेंगे, जो छोटे छोटे आपके फेस पे बाल हैं वो उसको हटाएंगे। और इसको वाटर से क्लीन नहीं करनी है, पानी से नहीं धोनी फेस, ये मसाज पहले धोनी तो है पानी से लेकिन बाद में, पहले आपको मसाज करते करते ये पूरा ड्राई होके नीचे गिरने लगेगा, आपको भी पता ही चलेगा, मेरी वीडियो में देखते देखते आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देख के स्किप ना करें। आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आप 20, 30, 40, 50 के हो, कोई भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, कोई भी अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये घर की सामान है, इसे ही हम लोग कर रहे हैं। बाहर से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने में भी बहुत पैसे लगते हैं, उससे अच्छा हमें किचन में इतना अच्छा अच्छा चीज़ें मिल जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करोगे तो मैं ऐसे ऐसे नुस्खा आप लोगों के लिए लाते रहूँगी, जिससे आपको पार्लर में उतना महंगे महंगे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको आपके फेस को चमक
कर सकते, निखार ला सकते। आप देख ही सकते हो मेरे फेस की, ये जो मैंने मुल्तानी मिट्टी की और सब सारे जो फेस पैक लगाई थी वो मसाज करते करते मुझे 5 से 6 मिनट हो गई करते करते, वो धीरे धीरे अब गिरने लगा है क्योंकि वो ड्राई हो गया, मेरे फेस के सारे मैल वो निकाल रहा है। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेरी बात सुन के मेरी ये वीडियो देख के अगर आप इसको अगर अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपको एक बार में फ़र्क पता चलेगा कि आपके फेस कितना ज़्यादा साफ़ हो गया। या अगर आप हफ्ते में 3 बार या 2 बार यूज़ करेंगे ना, तो आपके फेस 1 महीने के अंदर आपको फेस इतना ग्लो करेगा कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। फिर मैंने ये कर लिया पानी से वॉश फेस, नॉर्मल पानी से मैंने अपने फेस को धो लिया, फिर एक सूखे से कपड़े से अपने फेस को पोंछ लेनी है। आप मेरी फेस की देख ग्लो देख के समझ पा रहे हैं कि मेरी फेस एक बार में कितना ग्लो कर रहा है। ये अगर आप भी अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो आपको भी एक बार में फ़र्क पता चलेगा अपने फेस पे। इसके बाद और एक चीज़ भी करनी है जो वीडियो के आगे मैं बताने वाली हूँ आपको। हमारा क्या होता है, कुछ लगाने के बाद, कुछ फेस पे अप्लाई करने के बाद ही हमारा फेस ड्राई सा होता है, इसलिए उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र आप जो आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र, सीरम, या अगर आप ये चीज़ रात को कर रहे हो तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं ये दोपहर के टाइम कर रही हूँ इसलिए मैंने कोई भी ऐसे मॉइस्चराइज़र जो मैं डेली यूज़ में करती हूँ वो मैंने यूज़ कर लिया अपने पूरे फेस पर। अगर आपके पास एलोवेरा जेल या कुछ हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। आप सच बता रही हूँ, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पार्लर में, घंटों घंटों तक आपको लाइन लगा के या बैठ के आपको टाइम वेस्ट भी करना नहीं पड़ेगा। घर में ही आप 10 या 15 मिनट के अंदर ये फेस पैक यूज़ कर सकते हैं और ये आप देख ही पा रहे हो मेरे फेस की ग्लो। अगर आपको ऐसी और भी नई नई वीडियोस चाहिए होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।